टोटल मिलाकर के जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा तकरीबन 1,412.72 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ये जो आपको एचआरटीसी दिख रही है, एचआरटीसी को रिप्लेस किया जाएगा विद इलेक्ट्रिकल बसेस, जो ये डीजल बसेस हैं, और विश्व बैंक की मदद से 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये सब चीजें जो है वो किसके लिए की जा रही है, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए। अब देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश बजट, जो 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रपोज हुआ है। टोटल मिलाकर के ये 53,412.72 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट कैसे बनता है, जो आपका रेवेन्यू हिस्सा दिख रहा है और दूसरा आपको कैपिटल हिस्सा दिख रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स दिख रही हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में बजट डेफिसिट के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स इस वाले बजट में लाई गई हैं जो आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जा करके लॉन्च होंगी। चाहे वो आपका ग्रीन स्टेट बनाना हो हिमाचल प्रदेश को 2026 तक, चाहे आपकी इको टूरिज्म से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो, जहां पर रोबोटिक्स की बात की गई है। तो यही सब बातें हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको आप शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी लगभग 8-10 हज़ार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 प्रपोज बजट है 53,412.72 करोड़ रुपए का। उसमें से आप एक रेवेन्यू हिस्सा दिख रहे हैं, दूसरा आप कैपिटल हिस्सा दिख रहे हैं। यहां पर आपको रेवेन्यू रिसीट्स दिख रही हैं, यहां पर आपको कैपिटल रिसीट्स दिख रही हैं। क्या मतलब होता है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, इकोनॉमिक सर्वे की सेकंड वीडियो देखिएगा। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आपको आई बटन में शो हो जाएगी वीडियो, उसको देख लीजिएगा कि बजट आखिरकार कैसे बनता है। थोड़ा बहुत मैं आपको अभी बता देता हूं। रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि गवर्नमेंट के पास जो प्राप्तियां हैं वो कहां से आएंगी, तो इसमें रिसीट्स में आपकी दो चीजें हो सकती हैं। ये तो आपका टैक्स से आ सकती है, दूसरा आपका नॉन टैक्स से आ सकती है। रिसीट्स जो है, गवर्नमेंट की रिसीट जो है, रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके से आ सकती हैं, या तो वो टैक्स के रूप में आएंगी या तो आपके नॉन टैक्स के रूप में आएंगी, ठीक है। टैक्स रिसीट्स में या तो आपका डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपका जीएसटी होता है, डन। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि आपका फाइन हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा फाइन लगाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा पेनल्टी लगाई गई, या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ आपका डिविडेंड मिला, प्रॉफिट मिला, डिविडेंड प्रॉफिट, वो कहां पर आएगा, नॉन टैक्स में, क्योंकि वो टैक्स नहीं है ना। गवर्नमेंट को जो डिविडेंड के रूप में आया, जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में आया, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया था उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिला, तो वो आपको कहां पर आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कितनी हैं, 37,999.87 करोड़, जो इस बार का बजट है। दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा है जो खर्चा हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, जो खर्चा हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन पे कर रही है, गवर्नमेंट सैलरीज पे कर रही है, या गवर्नमेंट किसी तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चला रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो वो सब चीजें जो है वो एक्सपेंडिचर में आएंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, 42,703.99 करोड़। ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो करोड़ में है। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है, यहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो अलग है, यहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है यहां पर गवर्नमेंट दे रही है, यानी गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया है, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे वो कहीं बाहर से लोन लिया हो, तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट वो दे रही है। तो चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में हो, चाहे वो आपका सैलरीज के रूप में हो, चाहे वो आपका पेंशन के रूप में हो, चाहे वो आपका सब्सिडी के रूप में हो, तो वो आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो खर्चा हुआ है लेकिन वो दिखेगा नहीं आगे जाकर के, कि ये दो गवर्नमेंट को देना ही है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल। अगर आपको ब्रीफ में देखना है तो सेकेंड वीडियो आप देख लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे की। कैपिटल, कैपिटल में आपका रिसीट्स दिख रही हैं और कैपिटल में कुछ एक्सपेंडिचर दिख रहा है। कैपिटल रिसीट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ गवाना पड़ेगा, गवाना इन द सेंस या तो आपको डेब्ट पड़ेगा या तो फिर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि आपने लोन लिया। अब लोन दो तरीके का हो सकता है, या वो सॉवरेन लोन होगा, सॉवरेन इंटरनल लोन होगा, यानी कि आप देश के अंदर से ही लोन ले रहे हैं, या तो आपका वो एक्सटर्नल लोन हो सकता है, या आप बाहर से कहीं से लोन ले रहे हैं तो वो आपका एक्सटर्नल हो गया। साथ ही साथ में जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें ही आ जाएगा आपका कैपिटल रिसीट्स में। यहां से जो पैसा आएगा वो कितना है, 13,865.71
865.71। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यहां पर क्या बोला था मैंने, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा होगा लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो खर्चा होगा वो आपको दिखेगा। दिखेगा किस सेंस में, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रोड बनाए, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल बनाया, तो इस तरीके का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो आपको कहां पर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इस बार गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक्सपेंडिचर जो करेंगे वो 10,708.74 करोड़ रुपए करेगी। तो यहां पर बेसिकली बात क्या हो रही है बजट में, कि गवर्नमेंट इस वाले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर करेगी। तो टोटल मिलाकर के जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा 53,412.72 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ध्यान रखिए जो रिसीट्स आपको दिख रही हैं, उस रिसीट्स की वैल्यू कुछ डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है और इसकी वैल्यू डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर इंक्लूडेड है आपके क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंस बजट, जो बैलेंस बैलेंस बचा हुआ है, जैसे कि 800 करोड़ समथिंग जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, फिर आपका कुछ क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये लगभग आपका 1800 करोड़ के आसपास है। इस बार का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो अगली बार के लिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, थोड़ी देर में जो आप स्लाइड में भी देखेंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो में रहें, ध्यान से सुने, आपको बजट यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आगे जाकर के देखते हैं जरा, तो हमने यहां पर देखा रेवेन्यू कैपिटल, ये आपको क्लियर होगा। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे ऊपर रेवेन्यू डेफिसिट इतना पड़ने वाला है, राजकोषीय जो घाटा है। रेवेन्यू डेफिसिट आप कैसे निकालेंगे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स आप माइनस कर देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 42,703.99 करोड़ और रेवेन्यू रिसीट्स हैं 37,999। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा इस बार बजट में कह रहे हैं सीएम साहब कि भैया हम पर जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो लगभग 4,704.12 करोड़ होने वाला है। कितना, 4,704, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखें। निकाला कैसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब आपने रेवेन्यू डेफिसिट्स आपने माइनस कर दिए, यहां पर भी लिखा हुआ है, जो आपकी बजट स्पीच है सीएम साहब की उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बोरोविंग्स हैं वो यहां पर एक्सक्लूड हो जाती हैं, बाकी सेम चीजें हैं, कि टोटल एक्सपेंडिचर में से आपने टोटल रिसीट्स आपने माइनस कर दी, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, बोरोविंग्स को एक्सक्लूड कर देना, यहां पर इसका फॉर्मूला भी है। यही वैल्यूज जब आप यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो है आपका, तो इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो है आपका 9,900 करोड़, विच इज 4.61% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का, हमारी जीडीपी का कितने परसेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली, तो 4.61%, 4.61%। तो कितना है ये फिस्कल डेफिसिट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डायरेक्टली पूछा जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है वो यहां पर कहानी है, द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, यानी कि अपना पैसा पूरा करने के लिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है लेकिन आपको जरूरत है 100 रुपए की, सॉरी आपको जरूरत है 1,000 रुपए की, तो 500 आपके पास पहले से ही है लेकिन आपने 500 कहीं से ले लिए, उधार ले लिए, तो वही आपका जो आप उधार ले रहे हैं किसी से वो आपको वापस भी करवाना है, वही आपका फिस्कल डेफिसिट, ये मान के चलिए अभी के लिए। तो जो मैं आपको कह रहा था कि आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा और कुछ आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, बजट कितने का पेश हुआ है, इतने का। एक्सपेंडिचर जो ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, व्यय कितना किया जाएगा, वही तो है आपका बजट, कि बजट क्या है। आप भी अब फैमिली में हैं तो परिवार वाले भी कुछ ना कुछ आपके लिए साल में दे रहे हैं, महीने में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, बोले भैया 5,000 आपको दिए जा रहे हैं और ये आपका बजट है। आप कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारा बजट इस बार ढीला है, ये काम नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो आपके पास पैसा आप व्यय करने जा रहे हैं, जो व्यय करने जा रहे हैं वो है आपका 53,412.72 करोड़। और ये दो क्या हो गए आपके, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस अगली बार के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जब अगली बार बजट आएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यही हमने देखा, टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, ये रिसीट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, जैसे HAS देने वाले हैं या दूसरे अलाइड नायब तहसीलदार, वो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि टैक्स से कितना आया, नॉन टैक्स से कितना आया, ग्रांट्स इन एड कितनी आई। तो ध्यान रखिएगा ये भी एग्जाम में आया है, पिछली बार के HAS में पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है,
देन वी हैव एक्सपेंडिचर, कहाँ पर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो सोशल सर्विसेज पर हो, इकोनॉमिक सर्विसेज पर हो। जो आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप पीडीएफ को देख सकते हैं। ये वाली जो पीडीएफ है, इस वाली लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना, वहाँ पर आप हिमाचल जी के कोर्स में जा सकते हैं, या तो फिर आप हिमाचल के करंट अफेयर में जा सकते हैं। हिमाचल के करंट अफेयर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे मंथली बेसिस पर। यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास 100 रुपये है। अगर हमारे पास 100 रुपये है तो उस 100 रुपये में से कहाँ कहाँ पर जा रही हैं चीज़ें? गवर्नमेंट कह रही है कि 100 रुपये हमें कहाँ से मिलेगा? तो आपके सेंट्रल टैक्सेस से हमें मिलेगा 16.35 रुपये, और स्टेट टैक्सेस से मिलेगा 25.11, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6.65, ग्रांट्स इन एड मिलेगा आपको 25.16। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आपको मिल रहा है वो किसके रूप में मिल रहा है? वो मिल रहा है ग्रांट्स इन एड के रूप में। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें, अगर बजट 100 रुपये का है, मान लेते हैं 100 रुपये का बजट है, तो 100 रुपये में से ग्रांट्स इन एड के रूप में हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर जा रहा है? तो वो आपका जनरल सर्विसेज पर जा रहा है, जो आपकी सामान्य सेवाएं हैं वहाँ पर पैसा जा रहा है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम जो पैसा जा रहा है वो आपका लोन्स पर जा रहा है, जो हम लोन चुका रहे हैं, सॉरी, जो ग्रांट्स इन एड हम वापस दे रहे हैं, जो ग्रांट्स इन एड एक्सपेंडिचर जो जा रहा है इस पर। तो अब चलते हैं बजट पर, जो यहाँ पर शुरुआत होती है बजट की। जिस प्रकार सीएम साहब यहाँ पर बजट पेश करते हैं, तो उनके द्वारा फोकस किया गया पहले कुछ एक पॉइंट्स पर। जैसे कि उन्होंने बजट में कहा, अब बजट किस तरीके से आप समझेंगे, देखिए, उन्होंने कहा चेंजिंग द डेवलपमेंट पैराडाइम। मतलब का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिमान आप चेंज कर रहे हैं डेवलपमेंट के, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो, हमारी जो इकोनॉमी है, चाहे हम स्टेट की बात करते हैं, तो डेवलप है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। चाहे आप अलग अलग इंडिकेटर्स की बात करें, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इन सभी में हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो हम पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें हमें अच्छे तरीके से लाना पड़ेगा। हमें क्वालिटी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, क्वालिटी सर्विसेज पर फोकस देना पड़ेगा। अब ये कहाँ के लिए रेलेवेंट है? ये आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। हो सकता है अनइंटरप्टेड डिलीवरी ऑफ क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। जैसे कि आपकी वाटर सप्लाई हो गई, अच्छे तरीके से वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपके रोड्स हो, तो वहाँ पर कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। ऑप्टिमाइजिंग एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, उन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। जो वेस्टेज हम करते हैं, वेस्टिंग एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं, वेस्टेज एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं, उसको कम किया जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें यूज़ करना चाहिए, मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग, यही सभी आप चीज़ें कहाँ पर देखेंगे? बजट स्पीच में। बस उसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, बाकी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब हम इनका यूज़ करेंगे, जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, वो यहाँ पर और फास्ट हो जाएगा। डन। तो यहां से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले यहां पर बात की जाती है ग्रीन स्टेट की या ग्रीन एनर्जी की। यहां पर कहा गया कि हमें 31st of March 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना है, टू डेवलप हिमाचल प्रदेश एज ग्रीन स्टेट बाय 31st of March 2026। तो 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना है। यहीं से क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी लाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी विल बी ब्राउट। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलाइजर का ही प्रयोग किया जाता है, जहां पर आपको H2O में देखेंगे, H2 और O2 इन दोनों को अलग अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। और उससे पहले भी आपके जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, उससे यहां पर मत जाइए, लेकिन फिर भी अगर हमें ग्रीन एनर्जी स्टेट बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लानी पड़ेगी। उस पॉलिसी में क्या क्या होगा, देखिए, पहला चीज, उसमें 40% सब्सिडी दी जाएगी यूथ के लिए फॉर सेटिंग अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विद द कैपेसिटी ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 250 किलोवाट टू 2 मेगावाट। अगर किसी यूथ को इस तरीके का प्रोजेक्ट जो 250 kV से लेकर के 2 मेगावाट तक है, उसके लिए यूथ को 40% की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से, पहली चीज। अब देखिए कैसे हम ग्रीन स्टेट बनाएंगे इसको, हमें क्या करना पड़ेगा, यूथ को बहुत ज़्यादा इंकरेज करना पड़ेगा, हमें इस तरीके के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे सब्सिडी देकर के, ताकि लोग थोड़ा सा
यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएं। साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश विल डेवलप अ मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। क्या करेगा? मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल विल बी इनकरेज इन अ फेस्ड मैनर विद द कोलेबोरेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो यहाँ पर दोनों की सहायता ली जाएगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, विद द हेल्प ऑफ बोथ द सेक्टर्स इनकरेज किया जाएगा सभी को। देखिए कैसे कैसे करते हैं इसमें। अच्छा, ये हिंदी वालों के लिए हैं जो हिंदी में करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य 31 मार्च 2026 तक बनाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को अग्रणी हरित हाइड्रोजन बनाना अर्थव्यवस्था पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ में राज्यों के युवाओं को अपने पट्टे की भूमि पर या लीज पर ले सकते हैं, या तो फिर अपनी भूमि पर 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा, जो 40% सब्सिडी दी जाएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश को। इन द फर्स्ट फेज क्या किया जाएगा? अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात की गई है, तो इन द फर्स्ट फेज 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन कॉरिडोर फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ग्रीन कॉरिडोर के रूप में क्या किया जाएगा? 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, और वो कौन कौन से हैं ये अभी नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा? ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जैसा आपको वहां पर दिख रहा है, यानी कि जो हरियाली है उसको ज्यादातर विकसित किया जाएगा रोड के सराउंडिंग्स में। देन वी हैव अ टारगेट टू सेट अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ 500 मेगावाट इन 2023 एंड 24। तो कितने का टारगेट रखा गया है? 500 मेगावाट का। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। और ये जो बिजली यहां से उत्पन्न होगी, चाहे वो मान लीजिए अभी यूथ की हम बात कर रहे थे कि यूथ अगर सेटअप करते हैं 2 मेगावाट तक प्रोजेक्ट, 2 मेगावाट तक करते हैं, तो वो एनर्जी कहां पर डालेगा, फिर पावर कहां पर डालेगा? तो वो जो पावर है दैट विल बी परचेज्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। किसके द्वारा परचेज की जाएगी? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। अ सब्सिडी ऑफ 25,000 ईच टू 20,000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्कूटी। जो 20,000 मेरिटोरियस गर्ल्स हैं उनको 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदती हैं। तो 20,000 मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए, याद रखिएगा, 20,000 मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। एंड 1,500 डीजल बसेस ऑफ HRTC विल बी रिप्लेस्ड विद ई बसेस इन फेज मैनर विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ की सहायता से पहले क्या किया जाएगा? पहले जो 1,500 डीजल बसेस हैं HRTC की, उनको रिप्लेस किया जाएगा ई बसेस के साथ। ये जो आपको HRTC दिख रही है, HRTC को रिप्लेस किया जाएगा विद इलेक्ट्रिकल बसेस। जो ये डीजल बसेस हैं इनको इलेक्ट्रिकल बसेस से रिप्लेस किया जाएगा, और इसके लिए बजट रखा गया है 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़। तो पहले चरण में 6 राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, और 2023-24 में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और जो उत्पादित विद्युत राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा क्रय की जाएगी, और HRTC की 1,500 डीजल बसेस को चरणबद्ध तरीके से ई बसेस के रूप में बदला जाएगा, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो हमें अभी आपको बताया। और 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। देन वी हैव जी जो 6 कॉरिडोर बना रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं वो ये वाले हैं। याद थोड़ा बहुत इनको याद रख सकते हैं, हो सकता है कहीं एग्जाम में आ जाए, तो थोड़ा बहुत इनको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी। देन 2 ग्राम पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन पंचायत ऑन पायलट बेसिस। क्या किया जाएगा? दो पंचायत हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 पंचायत को क्या किया जाएगा? ग्रीन पंचायत बनाया जाएगा। तो ग्रीन पंचायत बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, देखिए अब सोलर पावर प्रोजेक्ट विद कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 500 किलोवाट, 500 KV से लेकर के 1 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट यहां पर सेटअप किए जाएंगे इन पंचायत में। अगर हमें इस तरीके की ग्राम पंचायत बनानी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ग्राम पंचायत बनानी है, तो वहां पर क्या करेंगे? सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे कितने से कितने तक? 500 केवी से लेकर के 1 मेगावाट तक। अब देखिए ये वाला जो है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका 2023 का हो, 24 का हो, 25 का हो, 26 का हो, तब तक के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके साथ साथ में ही हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉस्टिंग 2,000 करोड़ विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक विल बी लॉन्च्ड। हिमाचल प्रदेश पावर प्रोजेक्ट क्या किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक लाया जाएगा, 2,000 करोड़ उसमें लगेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से
पावर सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा। अंडर दिस देयर इज अ प्रोविजन टू कंस्ट्रक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट एंड कंस्ट्रक्ट 11 स्टेशन सब स्टेशन एंड टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सर्विंग 13 टाउन्स ऑफ द स्टेट। क्या किया जाएगा भैया, इस प्रोग्राम के तहत जो हम वर्ल्ड बैंक की सहायता से लाएंगे उसके तहत हम 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट चलाएंगे, 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा, साथ ही साथ में 11 सब स्टेशन होंगे जहां से बिजली जाती है, और ये ट्रांसमिशन लाइंस कितनी ट्रांसमिशन लाइंस होंगी, दो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन होगी जो लाइंस जा रही हैं ये, और ये कितने टाउन्स के लिए हेल्पफुल होगी, 13 टाउन्स के लिए ये बिजली देंगी। तो प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायतों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएंगी, और विश्व बैंक की मदद से 2000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, और इसके अंतर्गत 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण तथा राज्यों के 13 नगरों में 11 उपकेंद्रों व 2 वितरण लाइनों के निर्माण का प्रावधान है। किसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत जो हम वर्ल्ड बैंक की सहायता से चला रहे हैं। बाद में आप देखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ADB, इसके साथ भी हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो आपका टूरिज्म से रिलेटेड है, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, इको टूरिज्म के लिए। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से, जहां पर ग्रीन एनर्जी की बात आई, जहां पर इको टूरिज्म की बात आएगी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम कर रहे हैं। तो निजी बस, नेक्स्ट वी हैव निजी बस ट्रक संचालकों को ई बस और ई ट्रक क्रय करने पर 50% अनुदान अधिकतम 50 लाख रुपए की सीमा के साथ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट बस है और जो प्राइवेट ट्रक चलाते हैं तो उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी 50% की सब्सिडी दी जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल बस खरीदना चाहते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी 50% रुपए का अनुदान यहां पर दिया जाएगा, अप टू 50 लाख। कितने तक, 50 लाख। अगर वो मान लीजिए 20 लाख की ले रहे हैं, 30 लाख की ले रहे हैं, 40 लाख, अधिकतम सीमा है 50 लाख। 50 लाख तक की कोई भी वो बस खरीद रहे हैं, चाहे आपका ट्रक खरीद रहे हैं, तो उस पर उनको 50% रुपए का 50% का अनुदान दिया जाएगा। निजी संचालकों को इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। तो यहां पर है खरीदने पर, बस खरीदने पर, ट्रक खरीदने पर, यहां पर है चार्जिंग स्टेशन लगाने पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे उसके लिए स्टेशन की जरूरत होगी। तो जब स्टेशन की जरूरत होगी उसके लिए क्या किया जाएगा, 50% का अनुदान दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल स्टेशन लगाने के लिए। देन वी हैव HPPTCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा 464 करोड़ रुपए की लागत से कालाअंब, बरशैनी, कंगू, प्लाचन, धर्मपुर और हिलिंग में 6 HEV उप स्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाइनों और 1 संयुक्त नियंत्रण का निर्माण पूरा किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का निर्माण होता है 27 अगस्त 2008। कितना, 27 अगस्त 2008 को इसका निर्माण होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, बिजली के क्रय विक्रय के कुशल प्रावधानों प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, एक सेंट्रलाइज्ड सेल की स्थापना की जाएगी, सेंट्रलाइज्ड सेल उसकी स्थापना की जाएगी। इसके पूरे के पूरे जो ये ग्रीन एनर्जी या जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात हो रही है, तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज सेल भी चाहिए जो इन सभी की देखरेख करे कि कहाँ पर हमारा लक्ष्य कहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो ये सभी चीजें जो थी ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट, अब इसे नेक्स्ट आते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट पर, कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए आखिरकार क्या कर रहा है जो इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड फॉर मंडी एंड कांगड़ा एयरपोर्ट्स, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है, जमीन अधिग्रहण जो है वो चल पड़ा है, कहाँ के लिए, मंडी और कांगड़ा एयरपोर्ट्स के लिए। इसके साथ साथ में ही हेलीपोर्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलप्ड एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर हेलीपोर्ट्स बनाए जाएंगे। टू स्टार्ट स्किलिंग कोर्सेज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स फॉर द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, द सेंटर फॉर एक्सीलेंस एट वाकना घाट विल बी कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 68 करोड़। तो 68 करोड़ रुपए की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर बनाया जाएगा, वाकना घाट इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, जो आपको यहां पर दिख रहा है वाकना घाट, तो शिमला से यहां पर आप देख रहे हैं। तो वाकना घाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक स्किलिंग कोर्स, उसमें स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी इन टूरिज्म, जो टूरिज्म से रिलेटेड होंगी, साथ ही साथ में हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड होंगी। तो मंडी और कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सभी जिला मुख्यालयों पर हेलीपोर्ट का निर्माण और विकास किया जाएगा। अच्छा, ये भी यह था, यहाँ पर देखिए हेली टैक्सी सर्विसेज विल बी ऑपरेशनलाइज फ्रॉम संजौली एंड बद्दी। अभी शिमला से आप देखते हैं कि शिमला टू
चंडीगढ़, शिमला टू चंडीगढ़ जाएंगे तो हेली टैक्सी सर्विसेज हैं अभी तक। इसके साथ से ये कह रहे हैं कि अब क्या किया जाएगा, संजौली और बद्दी में भी हेली टैक्सी सर्विसेज ये ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी। तो संजौली और बद्दी से हेली टैक्सी सेवा का संचालन किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में स्किलिंग कोर्स शुरू करने के लिए बाघना घाट में 68 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। डन। देन वी हैव इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इको टूरिज्म का मतलब ये है कि जहाँ पर आप बात करते हैं नेचर से संबंधित टूरिज्म को, कि आप लोग जो हैं वो नेचर को देखने आ रहे हैं कि यहाँ का नेचर ऐसा है। तो नेचर को देखने जब लोग आ रहे हैं इसका मतलब वो इको टूरिज्म से रिलेटेड हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म और कॉम्प्रीहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान, कौन सा कॉम्प्रीहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1,311 करोड़ इन कोलेबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो मैंने आपको कहा था। कमेंट सेक्शन पर बताइए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये कमेंट सेक्शन पर बताइए जरा। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म रेफर टू द फॉर्म ऑफ टूरिज्म दैट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल नेचर बेस्ड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म इन विच द टूरिस्ट मेन मोटिवेशन इज द ऑब्जर्वेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर एज वेल एज ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिस इन नेशनल एरियाज। इसके साथ साथ में क्या किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। किसकी ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, जो हेरिटेज साइट है और जहाँ पर टूरिस्ट अधिकतर आते हैं, जैसे कि आपका कांगड़ा, हमीरपुर हो गया, कुल्लू, शिमला, सोलन, मंडी, इस तरीके से उन सभी का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, इको टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा, वाकना घाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। तो यही सब चीज़ें जो है आपकी टूरिज्म से संबंधित हैं। तो ये हिंदी में यहाँ पर हो गया। देन वी हैव कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या किया जाएगा। पहली चीज, गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी डेवलप्ड, जिसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का हो वैसा एक गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे सीनियर सिटीजन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंग्स वो बनाए जाएंगे, जैसे कि आपका शिमला में आप देखते हैं, शिमला में भी है आइस स्केटिंग रिंग। प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स वहां पर कौन सा है, पोंग डैम, और पोंग डैम का कंस्ट्रक्शन कब हुआ, कब बना, कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। तो पोंग डैम में क्या किया जाएगा, प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स किया जाएगा। देन अ जू विल बी सेटअप इन बनखंडी एट अ कॉस्ट ऑफ 300 करोड़। तो बनखंडी में एक जू बनाया जाएगा विद द हेल्प, कितनी कॉस्ट से, 300 करोड़ की हेल्प से एक जू बनाया जाएगा बनखंडी में, कांगड़ा में। और टूरिज्म विलेज बनाएंगे विल बी एस्टेब्लिश टू प्रमोट लोकल आर्ट एंड कल्चर। तो वहां का जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है उसके प्रमोशन के लिए विलेज, टूरिज्म विलेज भी बनाए जाएंगे। तो गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है सीनियर सिटीजन के लिए आपके, ये बनाए जा रहे हैं, ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो है वो किसके लिए की जा रही हैं, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए। अब देखते हैं कि ये स्टेप्स जो है आखिरकार कहाँ तक पहुँचते हैं आने वाले समय में। तो हिंदी में ये है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स विकसित किया जाएगा, वरिष्ठ नागरिक के लिए वृद्धाश्रम, और स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन ग्राम की स्थापना की जाएगी, आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग का विकसित किया जाएगा, बनखंडी में 300 करोड़ रुपए की लागत से जू बनाया जाएगा, और पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स को इनकी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देन वी हैव स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ के लिए क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर। अब तो रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी टू बी मेड अवेलेबल इन ऑल मेडिकल कॉलेज इन द फेस्ड मैनर। तो एक फेस्ड मैनर में, यानी कि पहले इस हॉस्पिटल में, फिर दूसरे, तीसरे, इस तरीके से रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध करवाई जाएगी। एंड इंसुलिन पंप्स विल बी प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वीमेन एंड चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सीरियस इन्फेक्शन। अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर एंड न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट विल बी सेटअप एट द मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, कितने से, 50 करोड़ की हेल्प से। अब कैंसर केयर तो आप समझ गए, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन का मतलब ये होता है जो आपका रेडियोलॉजी से संबंधित है, जो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, जो रेडियोलॉजी से संबंधित है, तो वो सेटअप किया जाएगा, डिपार्टमेंट एक ऐसा सेटअप किया जाएगा कहाँ पर, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, कितने की हेल्प से, 50 करोड़ की हेल्प से। एंड वन हेल्थ इंस्टीट्यूट इन ईच असेंबली कंस्टिट्यूएंसी विल बी डेवलप्ड इन मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके के हर एक विधानसभा क्षेत्र में वन हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा हर एक असेंबली में। तो हिंदी में ये हो गया, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ की लागत से कैंसर केयर और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
और गर्भवती महिलाएं और टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को गंभीर संक्रमण से रोकने के लिए इंसुलिन पंप मुहैया करवाए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जिसको पसंद आए, जिसको समझ में आ रहा होगा, तो वो शेयर कर सकते हैं। इतना सा काम आप सभी के लिए है, बाकी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट देते रहें ताकि हम यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। देखिए, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन से रिलेटेड इस वाले बजट में कौन सी बातें की गई हैं। पहला प्रोविजन इसमें कहा गया है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल्स विल बी ओपन इन ईच असेंबली, जो हर एक विधानसभा क्षेत्र में है वहां पर राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल ओपन किए जाएंगे। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जब ये गवर्नमेंट स्कूल खोले जाएंगे तो इसमें आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाएंगी, स्विमिंग पूल होंगे, एंड दीज विल बी कॉम्पोजिट स्कूल फॉर फ्रॉम प्री प्राइमरी, यानी कि जो 5 से 3 साल के होते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं टू क्लास 12, यानी कि 3 से 5 साल के बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं तक के बच्चों के लिए ये स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ये वाली फैसिलिटीज इसमें दी जाएंगी। एंड देन एम्प्लॉयमेंट मेलास एंड स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव्स विल बी ऑर्गेनाइज ट्वाइस इन अ ईयर इन अ कॉलेज, हर एक कॉलेज में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मेला, रोजगार मेले ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे ताकि जो स्टूडेंट है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको जॉब मिल सके। टू इनेबल यूथ ऑफ द स्टेट टू प्रिपेयर फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज विद द एक्सेस टू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड अदर एसेंशियल बुक्स, क्या किया जाएगा कि इस तरीके से आपकी लाइब्रेरीज ओपन की जाएंगी और उसका एक्सेस, उन सभी स्टूडेंट को एक्सेस होगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर आप हर तरीके की बुक्स को हासिल कर सकते हैं या पा सकते हैं, वहाँ पर यहाँ से पढ़ सकते हैं आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि अब ये लाइब्रेरी का जो किस्सा है, कहें हम, ये ज़्यादा बढ़ने लगा है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए अवेयर हो चुके हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करेगी, हर एक क्षेत्र में लाइब्रेरी ओपन करेगी और उसमें ये फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तो ये हिंदी में आपका हो गया, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, और इसकी PDF अगर किसी को नहीं मिल रही होगी तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध है, चाहे आप हिमाचल जीके के कोर्स में जा करके देखिए, चाहे आप HP करंट अफेयर के कोर्स में जा करके देख सकते हैं, और कुछ एक दिनों में आपकी टेलीग्राम पर भी वीडियो आ जाएगी, ये PDF मिल जाएगी आपको। देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, जब हमने शुरुआत की थी पिछले कल बजट की, लास्ट वीडियो में बजट की बात की थी, तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात आई थी कि हमें डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को हमें फास्ट करना है। तो वो कैसे हो सकता है, वो IT की वजह से ही हो सकता है, AI की वजह से ही हो सकता है, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो सकता है। लाइब्रेरी रूम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो है, हमने बजट में पहले क्या देखा था कि बजट जो हमारे स्टेट है वो हेल्थ सेक्टर में अच्छा कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कर रही है, लेकिन हमें उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट लानी है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी रूम्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जितने भी GSS स्कूल हैं वहाँ पर इस तरीके से ये लाइब्रेरी रूम ओपन किए जाएंगे। एंड टैबलेट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर 10,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, डिजिटल हार्डवेयर एंड डिजिटल सॉफ्टवेयर 762 स्कूल्स अंडर ICT स्कीम। तो क्या किया जाएगा कि 10,000 जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, पिछले कल बात हुई थी, लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि 25,000 दिए जाएंगे 20,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट गर्ल्स के लिए, स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। यहाँ पर 10,000 दिए जाएंगे, 10,000 दिए जाएंगे किसके लिए, टैबलेट खरीदने के लिए, सॉरी 10,000 टैबलेट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ में ये जो टैबलेट्स हैं ये स्कूल टीचर्स को भी दिए जाएंगे, जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए भी दिए जाएंगे। अब आप साथ साथ में देखेंगे कि प्राइमरी के टीचर जो हैं वो साथ में टैबलेट लेकर के भी घूम रहे हैं, है ना, और स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको भी टैबलेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये कितने, 17,510 प्राइमरी रेगुलर टीचर्स के लिए ये टैबलेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हिंदी माध्यम में ये हो गया। देन वैल्यू एडेड कोर्स इन टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि आपका रोबोटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नीशियन, मैकाट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियंस एटसेट्रा विल बी इंट्रोड्यूस्ड।
एंड मैत्री प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड 8 पॉलिटेक्निकल्स इन पॉलिटेक्निक कॉलेज इन द नेक्स्ट 5 ईयर। मैत्री जो प्रोजेक्ट है वो भी आपका इसी से ही रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी और कहें हम टेक्निकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो ये तो पॉलिटिकल जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं उनमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें वैल्यू एडेड कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आने वाला जो फ्यूचर है वो अब यही है, जो टेक्निकल एजुकेशन में बेहतर है वो आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में जॉब हासिल कर सकता है। तो आप भी अगर इस तरीके से हैं, अभी आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो एक क्षेत्र के बारे में ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ें। कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स हो, चाहे रोबोटिक्स के बारे में हो, चाहे आपका कंप्यूटिंग के बारे में हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हो, डाटा एनालिटिक्स के बारे में हो, तो इन सभी के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा जा करके इन चीज़ों में किसी एक विषयों में अपनी रुचि बढ़ाएं, ताकि वो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत मदद दे सकते हैं। अभी हाल ही में HES में भी देखा था कि वहाँ पर जो सिलेबस है वो भी चेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन डालने वाले हैं, कंप्यूटर या AI हो गया। तो इस तरीके से क्योंकि फ्यूचर यही है तो हमें प्रिपरेशन भी उसी तरीके से अपनी चेंज करनी पड़ेगी, उस पुराने वे में हम नहीं कर सकते हैं अगर आपको कॉम्पिटिशन में बने रहना है। तो मैत्री प्रोजेक्ट इज द सेंटर्स न्यू प्लान टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन विद वर्ल्ड बैंक लोन। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के लोन के साथ ये बनाया जाएगा। आप साथ में बताइए कि पिछले लेक्चर में हमने जब बात की थी तो वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सा प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जो आपने बजट की पहले पार्ट में देखा था। एक हम ADB के साथ कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी एक प्रोग्राम चल रहा है, और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड टेक्निकल एजुकेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। पहले इसका नाम ये था TEQIP, फिर बाद में नाम चेंज होता है मैत्री प्रोजेक्ट, जो आपका टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव कौशल विकास निगम विल ट्रेन 500 यूथ ईच इन ड्रोन सेक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड सोलर एनर्जी। अब रिसेंटली ये आपकी ड्रोन पॉलिसी भी आई थी, ड्रोन पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपका मेंस के लिए ज़रूरी है, एग्जाम में आ सकता है ये। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में हमने देखा और सोलर एनर्जी के बारे में हमने देखा, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कौशल विकास निगम के तहत इन सभी को ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जब हम बात कर रहे हैं, ई व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उसके लिए आपके मैकेनिक चाहिए, उसको बनाने वाले चाहिए, तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें हिमाचल प्रदेश को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाना है। तो ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स विल बी स्टार्टेड इन 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट। तो क्या किया जाएगा, आपके इतने सारे जो स्टेट्स हैं, एक मिनट, हाँ, तो 11 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट इन अ फेज मैनर। तो टेक्निकल कोर्स शुरू किया जाएगा किसके लिए, ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स, तो ये शुरू किया जाएगा 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। Then, under the World Bank funded project Strive, infrastructure and other facilities will be improved in 12 ITIs. तो ITI क्षेत्र में हम देख रहे हैं उसमें improvement किया जाएगा। एक project है जो Strive है वो शुरू किया जाएगा। अब ये Strive क्या है, एक आपका संकल्प है और दूसरा आपका Strive है, दो चीजें हैं, एक संकल्प और एक Strive। ध्यान से देखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है सिर्फ। Strive skill acquisition and नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। किसके लिए, लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी कि आपके जीवन यापन के प्रमोशन के लिए, जीवन यापन के लिए आपका एक कोर्स है, वो है संकल्प। स्किल एक्विजिशन, स्किल जब आप सीख रहे हैं किसी चीज के बारे में, आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। देन स्ट्राइव स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट। किसके लिए, इंडस्ट्रियल वैल्यू के लिए, यहाँ पर लाइवलीहुड के लिए, कि अपने जीवन यापन के लिए आपको एक स्किल तो आपको आनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ पढ़ाई से हटकर भी आपको आना चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसा आपको आना चाहिए जो आगे फ्यूचर में आने के लिए ज़रूरी हो। आपको कंप्यूटर के बारे में एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है, वो चीज़ देखिए। सिर्फ किताबी कीड़े बनने से तो कुछ नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देखना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा, अब कहना तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं 100% है, 99% है, अब तो बहुत कॉमन सी चीज़ होगी 99%। हमारे समय में तो, आपके समय अब जो देख रहे होंगे, अब किसी के ये हो सकता है कि 66% बहुत ज़्यादा है, 60% बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब 99 भी कम है। तो स्किल अब ज़रूरी है, परसेंटेज ज़रूरी नहीं है। परसेंटेज कितनी भी हो, आपके पास अगर स्किल है तो आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं इन फ्यूचर। इंडस्ट्रियल वैल्यू और ये आपका लाइवलीहुड। तो संकल्प और स्ट्राइव में इतना ही अंतर है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ड्रोन कौशल विकास निगम ड्रोन क्षेत्र, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्येक
500 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और 11 राज्य के औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स शुरू किया जाएगा और विश्व बैंक द्वारा आईटीआई में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। देन सोशल सिक्योरिटी, जहां पर आप बात करते हैं कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, हेल्थ के लिए क्या किया जाएगा, फूड के लिए क्या किया जाएगा, फूड मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, तो वो आपका सोशल सिक्योरिटी के अधीन आता है। पहली बात है आपका 2.31 लाख वीमेन्स के लिए विल गेट द पेंशन ऑफ 15,000 पर मंथ, तो इसके लिए सरकार को खर्च करने पड़ेंगे 416 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च करने पड़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि ये जो 1500 रुपए हैं, ये वो वाले 1500 रुपए नहीं है जो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम हर एक महिला को 1500 रुपए देंगे। ये बात उनकी हो रही है जिनको अभी तक पेंशन मिलती आ रही थी, जिन महिलाओं को अभी तक पेंशन मिलती थी 1000 रुपए या 1200 रुपए जो पेंशन मिलती थी, 1170 के आसपास है, तो वो पेंशन जो है अब सभी के लिए 1500 कर दी गई है। वो ये उन पेंशन की बात हो रही है जैसे विडोज के लिए कुछ पेंशन मिल रही है, डिसेबल्ड के लिए कुछ पेंशन मिल रही है, विमेन की बात हो रही है। तो जिनको पहले से पेंशन मिलती आ रही थी उनको ये पेंशन दी जाएगी 1500 रुपये, ना कि सभी महिलाओं को। तो अगर आप इसमें हैं कि हमको 1500 रुपये मिलने वाले हैं जॉब से तो क्या ही करेंगे, तो उस संचय में उस डाउट में मत रहिएगा कि 1500 रुपये में नहीं मिलने वाले हैं, ये उन महिलाओं को मिलने वाले हैं जिनको पहले से पेंशन मिलती आ रही थी। और जो दूसरा वादा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था उस पर देखेंगे कि अभी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देन एक स्कीम चलाई जाएगी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, और ये सुखाश्रय योजना किसके लिए चलाई जाएगी, ऑर्फन्स के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, या चाहे वो आपके डिस्टिट्यूट विमेन्स हो, अनाथ बच्चे, डिस्टिट्यूट विमेन, स्पेशली एबल्स एंड ओल्ड पीपल, उनके लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम चलाई जाएगी। इसके बारे में अगली स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देन रिमूवल ऑफ द कंडीशन ऑफ इनकम लिमिट एंड ग्राम सभा अप्रूवल टू इनेबल विडोज एंड दिव्यांगजन्स टू गेट पेंशन अंडर राहत भत्ता योजना। एक स्कीम है आपकी राहत भत्ता योजना। तो राहत भत्ता योजना के तहत पहले क्या होता था, अगर किसी को दिव्यांगजन है, अगर आपकी विडो है कोई दिव्यांगजन है, उनको पहले परमिशन लेनी होती थी ग्राम सभा से, और दूसरा उसमें लिमिट रखी गई थी कि इतनी इनकम के बाद अगर कोई विमेन है, दिव्यांगजन है, उनका उनके पास अगर उनकी जो मनी है वो एक्सीड कर रही है, इनकम लिमिट एक्सीड कर रही है, तो उनको वो ये जो पेंशन है उनको नहीं दी जाएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये इनकम लिमिट भी घटा रहे हैं, इनकम लिमिट भी खत्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ में महिलाओं को या दिव्यांगजन को ग्राम सभा से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो दोनों चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दी गई, इनकम लिमिट भी ख़त्म कर दी गई और अप्रूवल भी ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है मुख्यमंत्री नेक्स्ट जो स्कीम चलाई गई है वो है आपकी मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा। ये क्यों चलाई गई है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो अभी क्या क्या किया जाएगा स्कीम के तहत, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना, इसके तहत आप सभी को इंटरनेशनल लेवल पर जॉब दी जाएगी। हो सकता है आप कल दिन अमेरिका में हो, यूएस कैनेडा में हो, इटली में हो, रशिया में हो, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर आपको जॉब दी जाएगी। वो अलग बात है कि अभी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के बहुत बुरे हाल हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट आने वाले समय में क्या करेगी, वो बहुत देखने योग्य होगा। देन मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हॉस्टल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन फॉर ऑर्फन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 27 ईयर विल बी बॉर्न बाई द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर आपका एजुकेशन पर होगा, हॉस्टल पर होगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर होगा या स्किल अपग्रेडेशन पर होगा, जितना भी खर्चा आएगा 18 से 27 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, उनमें जो भी खर्चा आएगा वो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, पहली चीज अंडर मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम। ये जो स्कीम है आपने अगर नोटिस किया होगा तो सीएम साहब ये बजट पेश होने से पहले ही आश्रम चले गए थे, अनाथ आश्रम में गए थे, तो उसके बाद ये स्कीम चलाई गई थी। द ऑर्फन पर्सन अप टू द एज ऑफ 27 ईयर्स विल बी नॉन एज चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर देम बाई द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सरकार ही माता और सरकार ही पिता। जो बच्चे 27 साल की एज तक हैं उन बच्चों को माना जाएगा स्टेट चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, और साथ ही साथ में
किस प्रिंसिपल सरकार काम करेगी इन बच्चों के लिए कि सरकार ही पिता और सरकार ही माता, कि इन बच्चों की, इन अनाथ बच्चों की सरकार ही पिता है और सरकार ही माता है। इस प्रिंसिपल काम करे, इस प्रिंसिपल पर काम करेगी। एंड प्रोविजन ऑफ 101 करोड़ अपग्रेडेशन ऑफ शेल्टर होम फॉर चिल्ड्रन डेस्टिट्यूट वीमेंस एंड एल्डरी पर्सन विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर इन सुंदरनगर एंड ज्वालामुखी। तो कहाँ पर? सुंदरनगर और ज्वालामुखी में आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर की स्थापना की जाएगी जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज दी जाएंगी। देन एजुकेशनल टूर आउटसाइड स्टेट वंस इन अ ईयर फॉर ऑर्फन्स इंक्लूडिंग फैसिलिटीज ऑफ एयर ट्रेवल्स एंड स्टे इन 3-स्टार होटल्स। तो साथ ही साथ में सरकार ये कह रही है कि एक साल के अंदर अंदर इनको बाहरी टूर भी दिया जाएगा और उसका खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उनको 3-स्टार होटल में रुकने की अनुमति दी जाएगी या प्रोविजन ऐसा ऐसा होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी में कि 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, सरकार ही माता सरकार ही पिता, 27 वर्ष की आयु तक। ओके, देन वी हैव अदर स्कीम्स। इसके अलावा कौन सी स्कीम चलाई गई है जो आपका सोशल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है? मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल आवास योजना, क्या कह रहे हैं? तो इसके लिए 7,000 हाउसेस बनाए जाएंगे एलिजिबल विडोज एंड सिंगल वुमेन्स के लिए अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। एजुकेशनल लोन एट द रेट ऑफ 1% अंडर न्यू स्कीम मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना फॉर एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन टू परस्यू प्रोफेशनल हायर एजुकेशन। किसके लिए दिया जाएगा? प्रोफेशनल हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, सबके लिए नहीं दिया जाएगा। अगर सबके लिए देने लगी गवर्नमेंट तो 1% के इंटरेस्ट पर तो नहीं दे सकती है ना सभी के लिए गवर्नमेंट, तो उसमें तो घाटा है फिर। खैर, सोशल सिक्योरिटी में तो ऐसा कोई घाटा नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी तो लोगों के उत्थान के लिए ही चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान चलाया जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि लीकर पर आपका जो टैक्स है, अब सेस जो है वो बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखाशित बचपन अभियान चलाया जाएगा एंड द पीपल ऑफ द स्टेट स्पेशली द चिल्ड्रन विल बी मेड अवेयर ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत जो जो प्रोविजन है उनसे बच्चों को अवेयर करवाया जाएगा। किस स्कीम के तहत? मुख्यमंत्री सुखाश्रित बचपन अभियान। तो ये हो गया आपका मुख्यमंत्री सुखाश्रित बचपन अभियान, विधवा एवं एकल नारी आवास योजना और मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। देन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर से रिलेटेड जो जो गवर्नमेंट काम कर रही है इस स्कीम के तहत, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक स्कीम चलाएगी हिमगंगा टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हिमगंगा स्कीम चलाई जाएगी एंड ट्रैक्टर्स विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स एट अ सब्सिडी ऑफ 50% अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो ट्रैक्टर्स अब कितने दिए जाएंगे? 50% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। प्राइवेट बसेस, प्राइवेट ट्रक, इन सभी चीजों पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो पिछले कल हमने देखा था कि ई इलेक्ट्रिक बसेस अगर खरीदनी है, अगर इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदना है तो 50% की सब्सिडी दी जाएगी। देन 80% सब्सिडी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश पॉन्ड्स, अगर किसी को फिश पॉन्ड बनाना है तो उसके लिए 80% की सब्सिडी। और इसके लिए फिशरमैन ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाएगा कहाँ पर? गगरेट में, जो है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक फिशरमैन ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा। क्लस्टर अप्रोच बेस्ड इंटीग्रेटेड कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज योर हिम उन्नति। हिम उन्नति चलाया जाएगा कैसा? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, यानी कि पहले एक क्लस्टर को निर्धारित किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट करेंगे, फिर दूसरा क्लस्टर, इस तरीके से सभी क्लस्टर का, क्या कह रहे हैं, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जिसमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये लगभग आपका 40 हेक्टेयर का क्लस्टर होगा। सब्सिडी फॉर यूजिंग बायर मैश फॉर फेंसिंग फील्ड्स अंडर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी गिवन फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इन डेंटल क्लिनिक्स, परचेज ऑफ ई टैक्सी, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट अप टू 1 मेगावाट अमंग अदर अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ये जो पिछले कल हमने पढ़ा था वो डिफरेंट है, वहां पर भी सब्सिडी दी जा रही है यूथ के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, वो कितने तक था? 2 मेगावाट तक था। लेकिन अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना
इसके तहत क्या किया जाएगा, इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो आपका डेंटल क्लिनिक हो, चाहे वो परचेज ऑफ ई टैक्सी हो, चाहे इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, लेकिन कितने तक, 1 मेगावाट तक। देन सब्सिडी ऑफ 50% विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल एलिजिबल सेक्शन टू परचेज ई टैक्सी, जो हमने देखा था पिछले कल ही, हमने देखा जो लास्ट वीडियो है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टमेंट को लुभाने के लिए, ताकि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करें हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो, तो उसकी बढ़ोतरी के लिए हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिसी लाई जाएगी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और साथ ही साथ में एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, तो इसके लिए कोई ब्यूरो भी चाहिए, कोई एक ऐसा सेटअप चाहिए जो इसकी देख रेख करे, जो रूपरेखा तैयार करे, तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये एक बनाया जाएगा और पॉलिसी लाई जाएगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थ्रू दिस क्या कह रहे हैं, फॉर प्रमोटिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूनिटी मॉल विल बी एस्टेब्लिश्ड, क्या किया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा विशाल मेगा मार्ट है, या इस तरीके से दूसरे भी मॉल है जहां पर आपको एक ही मॉल के नीचे सब चीजें मिल जाती हैं, चाहे खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, तो सारी चीजें एक ही बार एक ही के अधीन मिल जाती हैं, एक ही मॉल के पास मिल जाती हैं आपको। थ्रू दिस जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ अदर एंड अदर स्टेट्स विल बी मेड अवेलेबल अंडर वन रूफ, तो क्या किया जाएगा, तो जीआई टैक्स, चाहे वो आपका फॉर एग्जाम्पल चंबा रुमाल है, कांगड़ा पेंटिंग है, इस तरीके से ऑफ द स्टेट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द अदर स्टेट्स, जो दूसरे स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी एक ही रूप के नीचे, यानी कि एक ही रूप के नीचे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ में ही 50 हिम एरा, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, तो 50 हिम एरा शॉप्स विल बी सेट अप इन द स्टेट फॉर मार्केटिंग एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसके लिए 50 शॉप्स बनाई जाएंगी, ताकि उनका सामान जो है वो यहाँ से वो खरीद सके, तो हिम एरा की इस तरीके की 50 शॉप्स हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी आपके आने वाले समय में। साथ ही साथ में 1040 अमृत मानसरोवर, जैसे कि अभी अमृत काल चला हुआ है, तो अमृत काल जैसे जैसे चला हुआ है तो एक अमृत सरोवर भी आया है साथ में ही आपका, तो 1040 अमृत सरोवर विल बी कंप्लीटेड बाई 15th of August 2023। एग्जाम में डायरेक्टली कहा जाएगा कि कितने अमृत मानसरोवर बनाने हैं हमें 2023 तक, कब, अगस्त 2023 तक, तो 1040 तक। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी यूटिलिटी डक्ट इन शिमला ऑन पायलट बेसिस एंड पॉलिसी टू ले द वेरियस यूटिलिटी लाइंस, इस तरीके की यूटिलिटी लाइंस है, कहने का मतलब ये है कि आपने रिसेंटली देखा होगा या साथ में ही आपने देखा होगा कि रोड के साथ साथ में रोज कहीं ना कहीं पर खोद रहे हैं, चाहे वो एमसी हो, चाहे कोई अदर हो, सड़क के साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी लाइनें बिछा रहे हैं, दूसरी तरफ भी लाइनें बिछा रहे हैं, इतना जाम लग रहा है, आने जाने की जगह नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा, इस तरीके की यूटिलिटी मल्टी यूटिलिटी डक्ट लाई जाएगी, जिसमें सभी तरीके की वायर हो, चाहे कुछ और चीज़ें हो, वो उसमें ही जाएंगी और इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जाल ऐसे बिखरा होता था तो वो उस तरीके का जाल अब नहीं होगा, तो ये पायलट बेसिस पर किया जाएगा शिमला में पहले, उसके बाद अगर यहाँ पर चला तो बाकी स्टेट पर भी, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी लागू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें कितना काम होता है। सेटिंग अप अ न्यू टाउन एट जाथिया देवी इन शिमला, तो जाथिया देवी इन शिमला में एक नया टाउन बनाया जाएगा, इससे पहले कहीं पर एक शहर स्थापित नहीं किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ये पहली बार होगा, ये पहली बार इस बजट में प्रावधान किया गया है कि एक शहर की स्थापना की जाएगी, और कहां पर की जाएगी, जाथिया टेम्पल या जाथिया देवी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। देन लॉन्च ऑफ ए न्यू स्कीम मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, अब सड़कों के रख रखाव के लिए, तो ये आपस में आप रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों मल्टी यूटिलिटी डक्ट, तो ये भी तो आपके सड़कों के रख रखाव के लिए है, और साथ ही में गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, नई योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी। देन अब देखते हैं डिजिटाइजेशन एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड, इससे क्या होगा, व्हाट्सएप एंड चैटबोर्ड फैसिलिटीज विल बी यूज्ड फॉर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जो आपका 1100 है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, अब क्या होगा, क्योंकि इससे पहले आप क्या कर रहे थे कि 1100 पर फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमारी ये दिक्कत है आप सॉल्व कर लीजिए, अभी पहले आप ये कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब आपके पास व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं एंड चैटबोर्ड फैसिलिटीज, जहां पर AI के द्वारा आपको मैसेज रिप्लाई आ जाते हैं कि आपकी क्या दिक्कतें हैं।
आपको अब वेट नहीं करना पड़ता है, जैसे आप वेट करते हैं ना व्हाट्सएप पर कि हमने गर्लफ्रेंड के लिए मैसेज किया है लेकिन अभी तक रिप्लाई आया नहीं है, तो वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 10 मैसेज एक बार ही भेज दिए, वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं। तो अब गवर्नमेंट ये करेगी कि भैया आपकी दिक्कतें और हो सकती हैं लेकिन हम अपनी तरफ से तो आपको रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई चैटबोर्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगे आपको। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ रिप्लाई तो दिया ही जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन रिप्लाई तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव ई ऑफिस सिस्टम विल बी एस्टेब्लिश इन स्टेट सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट्स एंड डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस। तो ई ऑफिस बनाए जाएंगे जहां पर आप अपनी, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम हो जिसके अधीन आपको कुछ पैसा मिलना था या आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में हो, तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप उसको देख सकते हैं। इंटरनेट पर आप अपनी समस्याओं का ब्यौरा आप देख सकते हैं। अ मोबाइल एप्लीकेशन विल बी डेवलप्ड फॉर द सिटीजन टू रिपोर्ट स्ट्रे एनिमल्स विच विल बी इंटीग्रेटेड विद द मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। क्या किया जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन एक बनाई जाएगी अगर आपको जो आवारा पशु हैं, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी आपको रिपोर्ट करनी है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी और उस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा इस 1100 के साथ, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एक नई एप्लीकेशन आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी जिसमें आप जो पशु आवारा घूमते हैं, बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जहाँ पर ठंड में बाहर घूम रहे हैं, जगह नहीं है कहीं पर सोने की नहीं है, तो इस तरीके से उसके लिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाएगी। अब देखें, देखने वाली ये बात ये होगी कि इन जितने भी ये जानवर हैं उनको कहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि योजनाएं तो उससे पहले भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं स्ट्रे एनिमल्स को बचाने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है जितना होना चाहिए था। आने वाले समय में हो सकता है इसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से काम हो, तो याद रखिएगा। फिर है आपका अंडर विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, द अमाउंट विल बी इंक्रीज टू 2 करोड़ 10 लाख पर असेंबली। जो आपका पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसमें क्या किया जाएगा, 2 करोड़ 10 लाख रुपए अब बढ़ाई जाएगी। तो ये आप कैसे देख सकते हैं, विधायक क्षेत्र विकास, कि विधायक के क्षेत्र के विकास के लिए एक पैसा होता है, तो वो कितना है अब, 2 करोड़ 10 लाख रुपए अब जा करके हैं। देन टू कर्ब इलीगल माइनिंग इन द बॉर्डर एरियाज फ्लाइंग स्क्वाड विल बी कंस्टिट्यूटेड। तो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे बॉर्डर एरिया में माइनिंग, इलीगल माइनिंग रोकने के लिए। फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट बसेस चार्जिंग स्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज जीआई बेस्ड व्हीकल लोकेशन ऐप विल बी लॉन्च्ड बाय एचआरटीसी। क्या किया जाएगा, व्हीकल लोकेशन ऐप, कि आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो खरीद लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए भी आपने प्रीवियस देखा स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, 11 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वहां पर ये टेक्निकल कोर्स चलाए जाएंगे, और साथ ही साथ में जब ऐसी कोई दिक्कत आए, क्योंकि चार्जिंग तो चाहिए अब ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल वाली गाड़ी है आगे देखेंगे कहीं पर न्यूट्रल चला दी या कुछ करके चला दी, ये वाली गाड़ी है इलेक्ट्रिक तरीके से चलने वाली जहां पर आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो कहां पर आपका नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन आने वाला है उसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट व्हीकल लोकेशन ऐप चलाएगी, लॉन्च करेगी, और किसके द्वारा, एचआरटीसी के द्वारा। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स फॉर ऑनरेबल एमएलएज विल बी इंक्रीज टू 13 लाख पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। क्या किया जाएगा, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं उसको बढ़ाया जाएगा कितना, 13 लाख। ये पहला है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, तो ये तो अलग है 2 करोड़ 10 लाख, और ये वाला डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का मतलब ये होता है जहां पर विधायक उसको ये नहीं बताना होता है कि भाई हमने यहाँ पर खर्चा कर दिया, हमने यहाँ पर खर्चा कर दिया, अपने बिहाफ पर जितना वो खर्चा कर सकता है, जितनी उसके पास पावर है, तो वो हो गया आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, यानी कि अपने बिहाफ पर जो पैसा वो आवंटित कर रहा है विधायक। देन हिमाचल प्रदेश सिलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 विल बी अमेंडेड एंड डॉटर्स विल बी मेड अ सेपरेट यूनिट। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले क्या हुआ करता था, 1966 के बाद जब ये रिफॉर्म चलने शुरू हुए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, तो एक सेंट्रल कमेटी बनाई गई लैंड रिफॉर्म के लिए, कि सिलिंग की जो जिसके पास ज्यादा भूमि है, किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास 200 एकड़ से जमीन है और किसी के पास भूमि है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा, अब एक लैंड सीलिंग लगाई जाएगी, इससे ऊपर किसी के पास अगर जमीन है तो वो जमीन लैंडलेस में आवंटित की जाएगी। तो सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बिठाई जाती है जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो सीएम साहब हैं उस वक्त के, तो वो उसके मेंबर होते हैं। 1966 की ही बात है ये। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 1972 में जाकर के हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड लैंड रिफॉर्म लैंड होल्डिंग एक्ट पास किया जाता है 1972 में। उसमें
एक जो यूनिट थी वो क्या किसे माना गया, जैसे एक पत्नी हो गई वाइफ एंड थ्री चिल्ड्रन, एक हस्बैंड हो गया आपके वाइफ एंड थ्री चिल्ड्रन, तो इसमें डॉटर की बात कहीं पर नहीं की गई थी, थ्री चिल्ड्रन की बात की गई लेकिन डॉटर की बात नहीं की गई, तो ये कह रहे हैं कि डॉटर्स को एक सेपरेट यूनिट बनाया जाएगा। एंड हिमाचल उत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेजर सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू शोकेस आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल उत्सव हर जगह पर बनाया जाएगा जहां पर हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर बताया जाएगा। देन अंडर सद्भावना योजना 2023, पेंडिंग केसेस अंडर वेरियस सेक्ट्स ऑफ द ट्रेडर मैन्युफैक्चरर होलसेलर एंड रिटेलर्स विल बी सेटल्ड, तो एक स्कीम चलाई जाएगी सद्भावना योजना 2023, बेसिकली किसके लिए है, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या होलसेलर हैं रिटेलर हैं जो शॉप चला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमी जो है उन्हीं से ही ग्रो हो रही है, पैसा आदान प्रदान ज़्यादातर वही कर रहे हैं, तो अगर उनके कुछ केसेस ऐसे पेंडिंग है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को, तो इसलिए उनके जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम। एंड 1500 कम्युनिटी वॉलंटियर विल बी ट्रेन फ्लड लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया प्रोन डिस्ट्रिक्ट आपदा मित्रा योजना, आपदा मित्रा योजना के तहत क्या किया जाएगा 1500 वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश में बहुत जोरदार भूकंप आया और किसी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इतने इतना तो भूकंप ने भी नहीं हिलाया जितना कि आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस ने हिला दिया, कहीं पर हमने पढ़ा था। तो क्या किया जाएगा 1500 कम्युनिटी वॉलंटियर्स उनको ट्रेन किया जाएगा अंडर दिस स्कीम आपदा मित्र योजना। इम्पोजिशन ऑफ वाटर सेस ऑन वाटर यूज फॉर पावर जनरेशन, तो वाटर सेस लगाया जाएगा आपका जो किसके लिए पावर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जब आप हाइड्रोजन जब हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा उतना फायदा नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट कह रही है वही हमारे पास पानी तो बहुत ज़्यादा है तो पावर जनरेशन से उतना फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम वाटर सेस लगाएंगे, पानी पर ही सेस लगा देंगे, जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए आप जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये बजट का आपका ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर या हमारे एप्लीकेशन पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुलाकात तब होगी अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद।